एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। दिस इज़ द साइंस सीरीज फॉर क्लास सिक्स। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास सिक्स साइंस का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, एंड दिस इज़ द पार्ट 5 वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। पार्ट 4 वीडियो में 2 टॉपिक्स को कवर किया था। नंबर 1 अ होम मेड टॉर्च एंड नंबर 2 इज एन इलेक्ट्रिक स्विच। पार्ट 5 वीडियो में भी 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे। नंबर 1 इनसाइड व्यू ऑफ अ टॉर्च एंड 2 इज इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। अगर अभी तक आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड अदर चैप्टर की वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें ताकि इसी तरह की वीडियो बनाकर मैं आपके लिए अपलोड करती रहूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, इनसाइड व्यू ऑफ अ टॉर्च। अगर आप इस फिगर को देखें और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक सेल लगे हुए हैं जो सेम इस सेल की तरह होते हैं। यहाँ पर एक स्लाइडिंग स्विच लगा हुआ है। इस पार्ट में ठीक इस तरह का एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ होता है। इसकी आउटर कवरिंग में एक रिफ्लेक्टर होता है। इसके अलावा एक वायर लगा हुआ होता है जो कि सेल के नेगेटिव टर्मिनल से होता हुआ इस स्विच में जाता है और स्विच से होता हुआ बल्ब के टर्मिनल में कनेक्ट होता है। इस तरह से एक टॉर्च में इतने सारे पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रिक सेल, नंबर 2 इलेक्ट्रिक बल्ब, नंबर 3 स्लाइड स्विच, नंबर 4 प्लास्टिक कवर, नंबर 5 रिफ्लेक्टर एंड नंबर 6 इज़ वायर। चलिए अब ये समझ लेते हैं कि ये पार्ट्स किस तरह से वर्क करते हैं जिससे ये टॉर्च का बल्ब ग्लो होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर टॉर्च के सेल को इस तरह से लगा दिया जाए कि इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव एक दूसरे को टच करें या इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव एक दूसरे को टच करें तो उस कंडीशन में ये बल्ब ग्लो नहीं होता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बल्ब तब ग्लो हो रहा था जब उसके पॉजिटिव टर्मिनल को सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया था, यानी किसी भी पाथ में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तब होता है जब नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाए। इसीलिए टॉर्च में इन सेल्स को हमेशा इस तरह से लगाया जाता है कि इसका नेगेटिव टर्मिनल और सेकेंड टॉर्च का पॉजिटिव टर्मिनल एक दूसरे से टच हों। इसी तरह से सेल का पॉजिटिव टर्मिनल बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल से टच होता है। जब इस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है तो यहाँ पर बनने वाली जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है यहाँ से इन वायर से होती हुई ठीक इस स्विच में पहुँचती है जो कि एक स्लाइड स्विच है। इसे ऊपर करने पर ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी होती हुई इस बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल में आ जाती है जिससे ये ग्लो करने लगता है। इस स्विच को अगर नीचे की तरफ स्लाइड कर दिया जाए तो ये ग्लो होने वाला बल्ब जो है वो ऑफ हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से आने वाला करंट जो है यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, इसलिए ये सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है। और जब कोई सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। ये स्लाइड स्विच ठीक इस वीडियो की तरह काम करता है। इस बल्ब के चारों तरफ एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ होता है जो कि ग्लास का बना हुआ होता है। ग्लास कई तरह के होते हैं जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव। यहाँ पर एक कॉनकेव ग्लास लगा हुआ होता है जो इस बल्ब से निकलने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसकी सरफेस को अगर आप टच करें तो वो ऐसी थोड़ी सी कर्व सी उठी हुई दिखाई देती है, और कॉनकेव मिरर ऐसा मिरर होता है जिसे अगर आप टच करें तो उसकी जो सरफेस है ऐसी अंदर की साइड दिखाई देती है। इस कॉनकेव मिरर या ग्लास के कारण ही इस छोटे से बल्ब की रोशनी हमें बहुत अधिक दिखाई देती है। बाकी इन मिरर्स के बारे में आप डिटेल में बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। इस तरह से हमने देखा एक टॉर्च में लगा हुआ बल्ब तब वर्क करता है जब इन सेल में बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी इन वायर से होती हुई इस स्विच पर पहुंचती है, और अगर ये स्विच ऑन है तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है और आकर के इस बल्ब के टर्मिनल से कनेक्ट होता है जिससे ये बल्ब ग्लो करने लगता है। अगर ये स्विच ऑफ है तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होता है और बल्ब ग्लो नहीं होता है। सेकेंड टॉपिक इज इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इन ऑल आवर एक्टिविटीज़ वी हैव यूज्ड मेटल वायर टू मेक अ सर्किट। चैप्टर में जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वहाँ पर यूज़ होने वाला जो वायर था वो मेटल का वायर था। इसे आपने वीडियो में देखा था जब ऊपर की कवरिंग हटाई गई तो उसके अंदर मेटल का तार निकला था।
Suppose we use a cotton thread instead of a metal wire to make a circuit. Do you think that the bulb will light up in such a circuit? Suppose इस तरह के सर्किट में लगे हुए वायर में अगर आप इस तरह के थ्रेड को यूज़ करें तो क्या ये बल्ब ग्लो होगा? तो आंसर होगा नो, क्योंकि थ्रेड में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट मटेरियल कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट सो दैट द करंट कैन पास थ्रू देम, यानी किसी भी सर्किट को इस तरह से कंप्लीट करने के लिए किस तरह के मटेरियल का यूज़ किया जाए या किया जाता है जिससे करंट पास हो और वो डिवाइस वर्क करे। लेट अस फाइंड आउट, चलिए इसका पता लगाएं। इसे समझेंगे एक्टिविटी 5 के द्वारा। डिसकनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यू यूज्ड फॉर एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में आपने जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था उसे इस तरह से डिसकनेक्ट कर दीजिए। दिस वुड लीव यू विथ टू फ्री एंड्स ऑफ वायर एज शोन इन फिगर 12.12A। ब्रिंग द फ्री एंड ऑफ टू वायर्स क्लोज टू लेट देम टच ईच अदर। Does the bulb light up glow? You can now use this arrangement to test whether any given materials allow current to pass through it or not. इन अलग किए हुए वायर को फिर से एक दूसरे से टच करिए, कनेक्ट करिए। अगर ये बल्ब ग्लो हो रहा है इसका मतलब इसमें करंट पास हो रहा है और ये एक्टिविटी 5 को करने के लिए रेडी है, यानी अदर मटेरियल्स को चेक करने के लिए रेडी है कि वो मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं या नहीं करते हैं। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल सच एज क्वाइंस, कॉर्क, रबर, ग्लास, की, पिन, प्लास्टिक, स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्युमिनियम फॉल, कैंडल, स्विंग नीडल्स, थर्मोकॉल्स, पेपर एंड पेंसिल लेड। एक्टिविटी 5 को परफॉर्म करने के लिए आपको बहुत सारे मेटल्स के सैंपल इकट्ठे करना है, जैसे क्वाइन, कॉर्क, रबर, वुडन, कैंडल या इनमें से जो भी अवेलेबल है उन्हें कनेक्ट करिए। फिगर बी की तरह जैसे यहाँ पर की को कनेक्ट किया है, ठीक इसी तरह से इस पार्ट में उस मटेरियल को आपको रखना है और ये ध्यान रखना है कि ये दोनों वायर एक दूसरे से टच ना हो। और उसके बाद आपको ये ऑब्जर्व करना है कि इन मटेरियल्स को यहाँ पर रखने पर क्या ये बल्ब ग्लो हो रहा है या फिर ग्लो नहीं हो रहा है। इस तरह से टेस्ट करने के बाद आपको टेबल 12.1 की तरह एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके आपको इस तरह से नेम लिखने हैं। सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट किन मटेरियल का बना हुआ है वो लिखना है। और थर्ड में ये लिखना है कि सर्किट में लगा हुआ बल्ब ग्लो हो रहा था या ग्लो नहीं हो रहा था। सपोज आपने टेस्टिंग में इन ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया है। सबसे पहला है की और इसका जो मटेरियल है वो एक मेटल है, इसलिए सर्किट में लगा हुआ बल्ब ग्लो होगा। इरेजर की बात करें तो ये एक रबर का इरेजर होता है, इसलिए इसमें करंट पास नहीं होगा और बल्ब ग्लो नहीं होगा। स्केल की बात करें तो ये प्लास्टिक की बनी हुई होती है, इसलिए यहाँ पर भी बल्ब ग्लो नहीं होगा। मैच स्टिक वुड की बनी हुई होती है, इसलिए यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी और बल्ब ग्लो नहीं होगा। ग्लास बैंगल की बात करें तो ये ग्लास की बनी हुई होती है, कांच की बनी होती है, इसलिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी और बल्ब ग्लो नहीं होगा। और आयरन नेल की बात करें तो ये मेटल का बना हुआ होता है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और बल्ब ग्लो होगा। What do you find? आपने क्या फाइंड किया इस तरह की टेस्टिंग में? The bulb does not glow when the free end of the wire are in contact with some of the materials you have tested. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे materials हैं जिस केस में बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। This means that these materials do not allow the electric current to pass through them. यानी इसका मतलब है कि इन materials में electric का current pass नहीं होता है। On the other hand, सम मटीरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू देम विच इज़ इंडिकेटेड बाय द ग्लोइंग ऑफ बल्ब। कुछ मटीरियल यहाँ पर ऐसे थे जहाँ पर बल्ब ग्लो हो रहा था, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी, जिससे ये पता चलता है कि उस सर्किट में करेंट पास हो रहा था। मटीरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी वो मटीरियल्स जिनमें से होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी उन्हें हम इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर या कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी करंट टू पास थ्रू देम। यानी इंसुलेटर ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, जैसा कि टेबल 2.1 में दिखाया हुआ है। यहाँ पर रबर, प्लास्टिक, वुड एंड ग्लास इंसुलेटर हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है और बल्ब ग्लो नहीं होता है। विद द हेल्प ऑफ टेबल 2.1 नेम द मटीरियल दैट आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो दोज विच आर इंसुलेटर।
इस टेबल की हेल्प से आपको यहाँ पर कंडक्टर्स और इंसुलेटर के नेम लिखने हैं. व्हाट डू यू कंक्लूड, विच मटेरियल आर कंडक्टर एंड विच आर इंसुलेटर. क्वेश्चन ये था कि व्हाट डू यू कंक्लूड, यानी आपने क्या निष्कर्ष निकाला. विच मटेरियल्स आर कंडक्टर एंड विच आर इंसुलेटर, यानी एक्टिविटी 5 को करने के बाद आपने जिन मटेरियल्स का यूज़ किया था उनमें से कौन सा मटेरियल कंडक्टर है और कौन सा मटेरियल इंसुलेटर है. कंडक्टर आर दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड द कंडक्टर. यानी कंडक्टर ऐसे सब्सटेंसेस या मटेरियल्स या मेटल्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है. सम कॉमन कंडक्टर्स आर कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर. कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर सभी इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं, लेकिन सभी का यूज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर और गोल्ड की बात करें तो इनकी कॉस्ट बहुत अधिक होती है. इसलिए जब भी कभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाई जाती है तो वहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उसको बनाने में कॉस्ट कितनी आएगी. इसलिए जनरली कॉपर और एल्यूमिनियम वायर का यूज़ ही इलेक्ट्रिक डिवाइस में किया जाता है. चलिए अब इंसुलेटर को देख लेते हैं. इंसुलेटर आर दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो और कॉल्ड इंसुलेटर. यानी इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंसेस मटेरियल या मेटल्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी होकर के नहीं गुजरती है या पास नहीं होती है. सम कॉमन इंसुलेटर्स आर ग्लास, प्लास्टिक, सेरेमिक, रबर, वुड, वूल, फैब्रिक, कॉक एंड पेपर्स. कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अस. स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर्स. ऑन द अदर हैंड रबर एंड प्लास्टिक्स आर यूज फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, प्लग टॉप्स, स्विचेस एंड अदर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक अपलायंसेस विच पीपल माइट टच. हमारे लिए कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, आवश्यक हैं, क्योंकि आपने अगर इस तरह के वायर को देखा होगा तो यहाँ पर अंदर जो वायर्स हैं वो तो कंडक्टर के बने हुए हैं, लेकिन इनके ऊपर की जो कवरिंग है वो एक प्लास्टिक की बनी हुई है जो कि इंसुलेटर है, और इनको कवर करने के लिए इसके ऊपर भी एक प्लास्टिक की कवरिंग की गई है. ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इनमें फ़्लो होने वाला जो करंट है वो आपकी बॉडी तक ना पहुंच सके. क्योंकि आवर बॉडी आर अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. जिस तरह से ये वायर इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं, ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी भी इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है. अगर हम इन वायर्स को बिना इंसुलेटर के टच करेंगे तो हमें करंट लग जाएगा. इसलिए करंट से बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर इस तरह की आउटर कवरिंग की जाती है. इसी तरह से आपने देखा होगा जब कोई इलेक्ट्रिशियन किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक डिवाइस पर काम करता है तो वो इस तरह के ग्लव्स को पहनता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी से प्रोटेक्शन हो सके. घर में लगे हुए सारे स्विचेस या सॉकेट्स प्लास्टिक से कवर होते हैं जिससे जब भी आप इन सॉकेट्स या प्लग को टच करें या यूज़ करें तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी बॉडी में फ्लो ना हो. इसी तरह से जब किसी वायर में स्पार्किंग हो रही हो तो उस टाइम आपसे ये बोला जाता है कि उसे किसी प्लास्टिक की या फिर वुड की स्टिक से टच करें. साथ ही साथ जब आप किसी ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइस को या अप्लायंसेस को टच करते हैं जिसमें करंट आ रहा हो तो उस टाइम आपसे ये बोला जाता है कि प्लास्टिक की स्लीपर पहनिए, क्योंकि प्लास्टिक भी एक इंसुलेटर है. दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 12 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें.